अब तक इसको सुनकर और गुस्सा आ रहा है कि क्यों मैं इस चीज़ को अब तक नहीं जान पा रहा था। और बहुत बहुत धन्यवाद है फिल्म मेकर का, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस चीज़ को इतना बढ़ चढ़ के प्रमोट कर रहे हैं, सही चीज़ों को प्रचार कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया फिल्म है और आप लोग प्लीज़ देखिए इसको, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और ये जो अभी आप देख रहे होंगे, जितने भी हमारे साथी हैं सभी के सभी सिनेमा हॉल से निकले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उदित हुआ, उदित आदित्य झा। उदित जी कहाँ से आए हैं आप? सर हम यहीं दलसिंह सराय के ही रहने वाले हैं। अच्छा, दलसिंह सराय से। उदित जी क्या फील कर रहे थे जब वहाँ पे एक निर्दोष लोगों के साथ उतना अत्याचार किया जा रहा था? सबसे पहले तो खुद पर बड़ा बुरा लग रहा था कि हम लोगों को शुरू से ही स्कूल लाइफ से या बाकी न्यूज चैनल से हमेशा दिखाया जाता था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ कभी ये सच आया ही नहीं। और फिल्म के निर्माता इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह का जो घटिया झूठ हम लोग को दिखाया जाता था उसको छुपा के एक सच को बाहर लाए ये लोग। और कांप रहा हूँ मैं अब तक इसको सुन के और गुस्सा आ रहा है कि क्यों मैं इस चीज़ को अब तक नहीं जान पा रहा था। और बहुत बहुत धन्यवाद है फिल्म मेकर का, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस चीज़ को इतना बढ़ चढ़ के प्रमोट कर रहे हैं, सही चीज़ों को प्रचार कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया फिल्म है और आप लोग प्लीज़ देखिए इसको, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और ये जो बहुत इनका हाथ कांप रहा था अभी, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जब आप अंदर जाएंगे उस दर्द को देखेंगे जब एक बार में कई लोगों को हत्या कर दिया जाता है, बिल्कुल देखा नहीं जाता है। कहाँ से आए आप? सर मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। कहाँ से आए पंकज जी आप? मुरली टोल, टोल प्लाजा के नज़दीक मेरा घर हुआ। और ऐसे मैं यूको बैंक रिकवरी एजेंसी खोल के रखा हूँ, उसके प्रोप्राइटर मैं खुद हूँ और ये हमारी टीम है। और एक जिज्ञासा हुई फिल्म को लेकर, जो आखिर हम लोग जो होल लाइफ स्टूडेंट लाइफ बिताए उसमें इतनी सच्चाई नहीं बताई गई थी, जिसे देखकर आज मेरा ही नहीं मेरे पूरे कौम का खून खौल उठेगा ये फिल्म को देखकर, जो सच्चाई है इसमें। मेरा जहाँ तक सोच है, ना मैं हिंदू का दोष दे रहा हूँ ना मुस्लिम का दोष दे रहा हूँ, इसमें कुछ हमारे गद्दार किस्म के इंसान, चाहे वो पॉलिटिक्स से जुड़े हों या अपनी स्वार्थ के लिए हमारे भाइयों के बीच दंगा फसाद करवा रहे हैं। बस मैं यही कहूँगा अपने समाज से और सभी से गुजारिश भी करूँगा जो अभी भी वक्त है, आप लोग संभल जाइए, नहीं तो हम लोग उनके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। जब इच्छा होती है वो दंगा करवा देते हैं, जब इच्छा होती है लाशें बिछा देते हैं ना। फिल्म को देखकर आपको क्या समझ आया, ये थोड़ा सा बताइए। फिल्म को देखकर यही समझ आई कि हम गुजारिश करेंगे अपने जितने भी नवयुवक बंधु हैं उनसे गुजारिश करेंगे जो अभी भी आप सच्चाई को समझें, उसमें सच्चाई दिखाया जा रहा है बिल्कुल कुछ न कुछ। देखिए हम झूठ उतना ही बोल सकते हैं जितना क्षम्य हो, जब तक उस फिल्म में कुछ न कुछ सच्ची घटना नहीं है आखिर फिल्म कैसे बनी। और उस फिल्म को हमारे भारत में सभी लाइक भी कर रहे हैं, इसका मतलब है जो उसमें कुछ न कुछ सच्चाई है ना। अरे मनोरंजन के तौर पर हमारे जो भी प्रोड्यूसर थे उसमें कुछ अपने ढंग से क्रियाकलाप कर दिए होंगे, बट कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर है उसमें, जरूर है। आखिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धारा 370 को कश्मीर से क्यों हटाए, 35A को क्यों हटाए, आखिर कुछ उसमें था तब तो हटाए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा हमारे जितने भी नवयुवक बंधु हैं अब भी जागृत हो जाए। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस फिल्म के बारे में कहते हैं कि इस फिल्म देखने से पहले एक बार महंगाई और बेरोजगारी को देख लिया जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए महंगाई और बेरोजगारी भी तो बढ़ती जा रही है। नहीं सही बात है, लेकिन ये इसलिए मैं आपसे पूछा कि जब ये फिल्म आई है तो फिर महंगाई और बेरोजगारी क्यों देखने लगे? देखिए इससे पहले भी देख सकते थे, इससे पहले भी इसको और फिर बाद में भी कीजिए, लेकिन आप आपसे मैं इतना बस पूछना चाहता हूं कि इस फिल्म को देखने से पहले बेरोजगारी देखिए, ये शब्द का क्या अर्थ है? देखिए सर मैं सबसे पहले क्षमा चाहूंगा, ठीक है, बहुत पहले मैं टीचर भी रह चुका हूँ
तो मेरे लैंग्वेज से ही आपको पता होगा जी, 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 और मैं हर संभव अभी मैं आपसे ये क्वेश्चन किया जी, जी। तो मेरा कहना ये है सर, देखिए कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये महंगाई मुझे उतना नहीं मार रही है जितना ये फिल्म बिल्कुल 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 ना। तुम जब मैं अपने घर में शेर पालूंगा तो शेर का खर्च तो उठाना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की वंदे मातरम। मैं इतना ही आग्रह करना चाहूंगा, सब कुछ देखिए, बेरोजगारी भी देखिए, महंगाई भी देखिए, लेकिन आप ये नहीं कहिए कि ये वीडियो देखने से पहले एक बार भारत के युवा महंगाई और बेरोजगारी को देखें। सब कुछ देखना है, निश्चित रूप से देखना है, हम सबों के लिए ये देखना जरूरी है, लेकिन इस फिल्म से पहले देखिए ये कौन सी बात हुई, ये नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? शुभम कुमार। कहाँ से आए? मुरली टोल बछवाड़ा बेगूसराय। आप फिल्म देख के आए हैं? हाँ, अभी तुरंत देख। क्या लगा आपको फिल्म में, क्या दिखा आपको फिल्म में? वो दर्द दिखा जो दर्द बताया कभी नहीं गया। हम लोग कश्मीर को जानते हैं स्वर्ग के नाम से, लेकिन स्वर्ग में इतना बड़ा नरसंहार हुआ इस पर कोई बात भी नहीं कर रहा। फिल्म शुरू हुआ उसमें कह रहा है आरएसएस का था इसलिए मार दिया। आरएसएस का है तो मार देगा, ये कहाँ का है, हम कहाँ मार देते हैं? झंडा लहराता है, हरा रंग का लहराता है ना, दिखता है, कहाँ हम मार देते हैं? तो आप क्यों मार दीजिएगा हमें? और कश्मीरी पंडितों को आपने मार दिया, वो कह रहे हैं हम पूरे थे, हमने कश्मीर को जन्नत बनाया। अरे स्वर्ग था तब तो तुम कब्जा करने आए, बिल्कुल, अगर वहाँ बंजर भूमि होती तो तुम मरुस्थल क्यों नहीं राजस्थान में कब्जा कर लेते हैं? उनका घर था। एक बहुत अच्छी बात फिल्म में लगी, उन्होंने कहा कि अगर किसी को पूरी तरह से तुमको पाना है, पूरा उसको हिटलर की तरह पूरा पकड़ना है, तो उसके संस्कृति पे, उसके सोच पे, उसकी शिक्षा पे वार करना चाहिए। वही चीज़ जो हम देखे, ये शिक्षा ध्वंस करने की प्रथा जो हमारे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के साथ हुआ, ये चीज़ वहाँ भी हुई, तो ये सब चीज़ें बहुत दुखद रही और बहुत दुखद अनुभव। ये पहली बार हुआ कोई फिल्म जो दिल से इतना ज़्यादा पसंद आया, और मैं बहुत कम बार फिल्म देखने आता हूँ आया, और ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम हुआ? जी अमन कुमार। कहाँ से आए? जी मुरली टोला है सर। आप फिल्म देख के निकले हैं? जी सर। अमन जी, फिल्म को देखने के बाद जो भी लोग अभी तक इसको नहीं देखे उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सर उनसे यही अपील करना चाहेंगे कि ये फिल्म आके दोबारा देखें और देख के कुछ सीख मिले उनसे। जी सर। चलिए, मैं निश्चित रूप से फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इस फिल्म को देखें और अपने देश में निर्दोष के साथ हुए अत्याचारों को देखें और उसे समझें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री राधे, जय हिंद।